केंद्र सरकार वालों जो खेती संबंधी तीन बिल बनाए गए ने राष्ट्रपति वालों उन्हां ते दस्तखत करन तो बाद यह बिल कानून विच बदल गए ने ते उस तो बाद किसानां विच गुस्सा काफ़ी ज़्यादा वध गया। अज भवानीगढ़ दे विच धरनियां तो बाद पिंड बाल कलां विच औरतां ते मर्दां वालों रल के पिंड विच हत्थां विच कालियां झंडियां फड़ के जागो कढ़ी गई। औरतां ने सिर दे उपर गागर रख के पूरे पिंड विच चक्कर लगाए ते नारेबाजी करदियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खिलाफ अपना रोस कढ़िया। लोगों नूं इन्हां बिलों बारे किसानों वालों जागरूक किया गया। उन्होंने आख्या कि हुण सानूं सारियां नूं रल के अगे आना पवेगा ते इन्हां कानूनों खिलाफ दुगनी ताकत नाल लड़ाई लड़नी पवेगी। उन्होंने आख्या कि जदों तक सरकार उन्हां दी गल नहीं सुनेगी ते इन्हां कानूनों नूं वापिस नहीं लवेगी उदों तक उन्हां दा संघर्ष जारी रहेगा। आजाद टीवी न्यूज़ दे लई भवानीगढ़ तों लवली कौशल दे नाल ब्यूरो रिपोर्ट। अज गड्डी दी पटड़ी दे उत्ते वड्डा हड़ाया होया जी पंजाब दे लोकां दा थौं थौं दे उत्ते। कल पंजाब बंद सी, भारत बंद सी, असीं समुचे लोकां दा धन्नवाद करदे हां जिहड़े समुचे वर्ग ने समझिया वी जिहड़े आर्डीनेंस ने इह साडी मौत दे ब्रांट ने। इस करके असीं 24 तरीक तों 26 तरीक तक रेलां दीआं पटड़ियां ते बैठे हां। 4 बजे साडा इह प्रोग्राम खत्म होण जा रिहा है। अगला संघर्ष आ जिहड़ा साडा 1 तरीक तों लगातार अणमिथे समें वाला संघर्ष शुरू करांगे। सरकार पिछे नहीं हटूगी, असीं लंबे संघर्ष तेज़ करांगे ते सरकार नूं पिछे धक्कांगे, आर्डीनेंस रद्द करावांगे। अगला संघर्ष कुरबानियां दा भी हो सकदा जी, जे सरकार पिछे ना हटी असीं कुरबानियां करन तों पिछे नहीं हटांगे। सरकार नूं हले जूं नहीं सरक रही कन्नां ते, सरकार जिहड़े जावर हुंदे आ उह परखदे हुंदे आ वी कहाणी की आ लोकां दी। साडे गुरुआं ते बड़े तहज झले उहनां ने, पर अज साडी जनता जिहड़ी उह पिछे नहीं हट रही, अगे वधूगी। सरकार दा नक मोड़ांगे, सरकार दा मूँह तोड़वा जवाब देवांगे आने वाले दिनों, क्योंकि अन्न भंडार पैदा करने वाले अज सुसाइड कर रहे हैं। सरकारां दी निकम्मी सरकारां ने यह जिहड़ी अन्न भंडार पैदा करने वाले खुदकशियां कर रहे हैं। सो भरावो, ये सरकार दे मत्थे ते कलंक है, सरकारां दे मूँह तोड़वें जवाब देणगे लोग आने वाले संघर्षां दे विच। असीं आने वाले समय च जो अज सानूं शहीद भगत सिंह जी दे जन्म दिहाड़े ते इस सरकारां वल्लों एक तोहफा दिता गया, सानू कानून साडे ते थोपिया गया, ना कि लागू किया गया। इहदे विच कोई किसान ना कोई नौजवान इहदे नाल सहमत नहीं। असीं अडानियां ते अंबानियां नूं कह देना चाहुंदे आ वी आउण वाले समय च तुहाडे पंपां दा वी बाईकाट करांगे। अडानियां दा अंबानियां दा सारे जिहड़े कारपोरेट घराणे ने इहनां दा बाईकाट करके असीं आउण वाले समय च समूह नौजवान इकट्ठे हो के इहनां दा बाईकाट करनगे। ते असीं अंबानियों नूं ते अंडानियों नूं कह देना चाहुंदे कि जिहड़े रिलायंस के पंप ने, रिलायंस के सिम ने, मैं नौजवानों नूं भी बेनती करना चाहुंदा भी इन्हां दा बाईकाट करो ता जो इन्हां नूं पता लग सके भी इह आपां नूं किस तरीके नाल जो दबण नूं फिरदे ने, असीं इन्हां नूं कदे भी इन्हां दीआं चालां 'च कामयाब नहीं होण देवांगे। ਇਹ ਆਪਦੀ ਵੋਟਾਂ ਖਾਤਰ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਾਤਰ। ਅੱਜ ਤੋਂ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਾਤਰ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ 31 ਕਿਸਾਨ ਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹਰ ਘਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਰੋਡ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਆ ਉਹਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜਿਆ। ਨਹੀਂ ਭਰਾਵੋ, ਇਹ ਜੋੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੰਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਬੰਧਨਾ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਖਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹ ਚਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਵੜ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਚਾਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕੀ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਕਾਲੂ ਹੋਵੇ, ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੜਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਘੋਲ ਨੂੰ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਨੇਪਰੇ ਚੜਨ। ਇਹ ਆਪਦੀ ਵੋਟਾਂ ਖਾਤਰ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਾਤਰ। ਅੱਜ ਤੋਂ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਾਤਰ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ 31 ਕਿਸਾਨ ਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹਰ ਘਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਰੋਡ